Hi and welcome to Ambrosia. My name is Bhavya Desai and today is all about Kamitz, the Indian single malt whiskey. तो जैसे आपको पता होगा इन रीसेंट ईयर्स इंडियन सिंगल मॉल्ट्स हैव बिकम रियली पॉपुलर एंड हैव बीन अप्रिशिएटेड अ लॉट ऑन अ ग्लोबल स्टेज. स्पेशली जो पॉपुलैरिटी निकली है ऐसे इंडियन सिंगल मॉल्ट्स के बारे में उसके बाद में भी लेकिन कोई भी इंडियन सिंगल मॉल्ट फॉर क्वाइट सम टाइम हैज नॉट रियली बीन लॉन्च्ड अंटिल रिसेंटली. तो ये कामित व्हिस्की जो है इंडियन सिंगल मॉल्ट ये लॉन्च हुई है सम टाइम अराउंड द एंड ऑफ लास्ट ईयर एंड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट इज रियली बिकम अ सक्सेस स्टोरी. तो ये व्हिस्की जो है ये अवेलेबल है करंटली अभी खाली दो स्टेट्स में विच इज इन गोवा एज वेल एज हरियाणा और इसका प्राइस वो दोनों स्टेट्स में है 2800 एंड 3000 रुपीस रिस्पेक्टिवली. अब ये दो या तीन महीने में दिल्ली और यूपी में भी मिलना शुरू हो जाएगी सो यू गाइस कैन गेट इट देयर एज वेल. बट इन टुडेज वीडियो लेट्स टेस्ट द कामित इंडियन सिंगल मॉल्ट एंड सी हाउ इट इज. तो विस्की को बनाने वाले हैं पिकाडिली डिस्टिलरी एंड पीक स्पिरिट्स जिनके बीच में एक जॉइंट वेंचर है और ये बनती है कुरुक्षेत्र में जहाँ पे पिकाडिली का अपना खुद का डिस्टिलरी है. एंड यस ये वही कुरुक्षेत्र है कि जब भी आप इसका नाम सुनते हैं तो आपको ये याद आता है. और ये विस्की का जो नाम है ये विस्की का नाम भी बेसिकली माउंट कामित के पीछे है विच इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द इंडियन हिमालयस. एंड जैसे इसका जो पीक है ये भी काफी इसमें डिपिक्ट किया गया है प्लस इट ऑल्सो हैज अ मैस्कॉट और अ मॉनिकर एज वी कॉल इट जिसका है वो पैरेट है. सो ये पैरेट जो है वो रीजन में इज कंसिडर्ड एज अ फॉर्च्यून टेलर एंड ऑल्सो इज सपोज टू बी वेरी सेक्रेट. बट वॉट इज यूनिक अबाउट कामित इज दैट इट इज डिस्टिल्ड बाई यूजिंग 6 रो बार्ली जो ग्रो किया गया है हिमालयस के फुटहिल्स पे. एंड ऑल्सो इस स्पिरिट को भी जो एज किया गया है दैट इज बीइंग एज्ड इन द एक्स बर्बन अमेरिकन ओक्स एंड ऑल्सो एक्स वाइन फ्रेंच ओक्स प्लस द एक्स शेरी कास्ट. सो दैट एड्स अ यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल टू दिस ब्लेंड. तो ये विस्की का जो ब्लेंड है इसे बनाने वाले भी दो मास्टर ब्लेंडर्स हैं हु कम विद अ वेरी रिच एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड ऑफ मेनी मेनी ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री. तो उसमें पहले जो है वो है सुरेंद्र कुमार हु इज एक्चुअली बीन अ मास्टर ब्लेंडर फॉर अ वेरी पॉपुलर इंडियन सिंगल मॉल्ट डिस्टिलरी एंड अ ब्रांड फॉर मेनी मेनी ईयर्स. इनफैक्ट ही ऑल्सो हेडेड दैट सिंगल मॉल्ट प्रोग्राम फॉर दैट डिस्टिलरी एंड मैन्युफैक्चरिंग. दूसरी जो है वो है नैंसी फ्रेली जो बेसिकली लॉयर टर्न्ड मास्टर ब्लेंडर है जिनकी कॉलिंग काफी लेट हुई एंड शी इज ऑल्सो कम्स विद इमेंसली पॉपुलर बैकग्राउंड एंड ऑल्सो हैविंग वर्क विद मेनी मेनी इंटरेस्टिंग स्पिरिट्स. तो अगर ये विस्की के पैकेजिंग और बॉटल के बारे में बात करें सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इट्स वेरी सिंपल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैरेट इसका मैस्कॉट मॉनिकर है विच इज द रीजन व्हाई इट एक्चुअली हैज लाइक द ग्रीन लुक एंड द ग्रीन कलर ऑन इट्स बॉटल लेबल एज वेल एज द बॉक्स. एंड वही सेलिब्रेट करने के लिए एक्चुअली मैंने भी ये ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना है. बट द सॉर्ट ऑफ लुक दैट दे आर गोइंग फॉर इन द पैकेजिंग आई थिंक इज वेरी सटल येट एलिगेंट जो आपको काफी इजिली दिख के आएगा बिकॉज काफी क्लीन डिजाइन हैं काफी अच्छी जो लेआउट और जो पैकेजिंग जैसे हम कहते हैं दैट्स ऑल्सो क्वाइट नाइस. आई रियली लाइक द शेप ऑफ द बॉटल एज वेल प्लस दिस मैट ब्लैक फिनिश जो सील है ऑन टॉप दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट. सो इन दैट डिपार्टमेंट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड वॉट the look and the packaging that they've gone for. So let's get to the tasting now. Whoops. Do you hear that sound? It's always a good sound. So in terms of nosing, you get a little bit of that fruity sort of a sweet sort of a profile. थोड़ा सा आपको I definitely वो आ रहा है. I am getting a little bit of sweetness as well. I think a little bit of probably vanilla or caramel. I'm not really sure. Something of that sort of a flavor profile, aroma profile.
आई थिंक देर इज लिटिल बिट ऑफ हिंट ऑफ स्पाइस एज वेल, थोड़ा सा स्पाइसीनेस एंड ओकीनेस, वेरी लिटिल बिट ऑफ ओकीनेस बट लिटिल बिट ऑफ स्पाइसीनेस इज ऑल्सो श्योरली कमिंग थ्रू, सो लेट्स टेस्ट इट. Oh, wow. So, for sure, there's definitely some fruitiness. I think it's a little pear-ish. I think pear, apple-ish is the sort of fruitiness that I'm getting for sure. There is definitely that lingering effect of that spiciness. The spiciness really hits you very nicely and subtly. The finish is also quite long. I can still get that spicy sensation in my palate as well as in my throat even now. Definitely either vanilla or caramel, thoda sa ek lingering effect uska bhi hai, which is it's quite nice. Overall the blend is like really really refined, and if you would have noticed, I actually took like a really big sip, and even after taking that big sip as well, it's really very smooth, very refined, a nice longish sort of a finish. It actually is really, really nice. So what do we think about the new Indian Kamet single malt? To be very honest, in one word, it is very good. It's slightly sweet, it's smooth, spicy, it is refined and everything that you would expect from an Indian single malt. And to be very honest, it's a very refreshing change to also see ki aur ek naya entrant bhi aaya hai Indian single malt mein, because it only furthers the fact ki India can also make good single malts as well. So agar aap scotch drinkers hain ya koi waise drinkers hain jo wo range mein 2800 odd rupees ya 3000 rupees ke range mein aap kafi sari blended scotches ya pasand karte hain, then I would suggest that you also start using a lot of these Indian single malts as well, because those variants are also even good, and maybe in some cases probably you might like better as well, because they've been flavored and the to a Indian palate. So I'm very sure that you will like it when you taste it as well. And if you like this video, then make sure that you like, share and subscribe to our channel. Take a look at us at Ambrosia website, our magazine. Do follow us on Instagram as well, and very importantly, until next time, drink responsibly.